तो लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी, और आप देखिए साल जाते जाते बर्फबारी हो रही है, और ऐसे में पर्यटक जो कि घूमने के लिए गए हैं, नया साल मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों में गए हैं, उनका उत्साह बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रेम लाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर इसी खबर पर। प्रेम, आपसे जानना चाहेंगे, बर्फबारी इस सीजन की पहली रिज मैदान में देखने को मिली, और ऐसे में कई पर्यटक वहां पर आए होंगे क्योंकि नया साल आने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सीजन का पहला बर्फबारी कह सकते हैं कि काफी अंतराल के बाद बर्फबारी है, लाहौल की स्थिति में हो रही है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो पर्यटक भी आज लाहौल स्पीति की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें भी एक स्नोफॉल देखने का मौका मिला है। इसके साथ साथ मैं ये भी बात जोड़ना चाहूंगा कि ये किसान और बागवान जो लंबे समय से ये बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, और उन्हें उनके चेहरे पर भी जो है अब थोड़ी खुशी की झलक जो देखने को मिल रही है। और जैसे कि क्योंकि बर्फबारी जो है पहाड़ों में होना बड़ा जरूरी माना जाता है, खासकर इन दिनों में जो खासकर भूमिगत जो चश्मे हैं इसमें भी रिचार्ज होते हैं, इसके साथ साथ जो हिम भंडार होते हैं ग्लेशियर्स उनमें भी जो है आजकल की बर्फबारी जो है भंडार होते हैं, और जो सीजन के दौरान जो है सिंचाई पानी होती है पीने के पानी के रूप में जो है लोगों को मिलती है। इस तरह यूँ कहें कि आजकल की बर्फबारी जो एक अमृत का काम भी करती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम आपका तमाम जानकारी के लिए, और अब सीधा रुख करते हैं कुल्लू का, जहां से हमारे संवाददाता अनिल कांत जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, कुल्लू में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, ऐसे में सैलानियों की तरफ से कैसे रिएक्शन आ रहे हैं क्योंकि कुल्लू मनाली में अधिकतर सैलानी नया साल मनाने आते हैं। तमन्ना, बिल्कुल आज शाम के करीब जो है सोलंग वैली जो जहाँ पे ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं अटल टनल की तरफ, जो बर्फबारी शुरू हो गई थी सुबह से ही, जो आज का मौसम जो है सुबह से जो धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल जो बादल थे घने बादल थे और कड़ाके की ठंड थी, और शाम के करीब जो है 4 बजे के बाद जो है हल्की बर्फबारी सोलंग वैली की तरफ शुरू हुई, और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होने के बाद निचले क्षेत्रों में कुछ छींटे पड़े, बारिश के छींटे पड़े, और इस वक्त जो है हल्की बर्फबारी है ऊंचे क्षेत्रों में होनी शुरू हो गई है। पर्यटकों को यह सुरक्षित जो है वापस जो है मनाली भेज दिया गया है, और अब मनाली से 3 किलोमीटर आगे नेहरू कूट एक जगह पड़ती है, उसके बाद जो है एक बैरियर लगा दिया गया है ताकि कोई पर्यटक जो है बर्फ की तरफ ना जाए और ऊपर फंस ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि पर्यटक रात को बर्फ की वजह से जो है देखने के लिए आगे चले जाते हैं और उन्हें फिर फंसने का रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसे देखते हुए प्रशासन ने नेहरू कूट में बैरियर लगा दिया है, और उम्मीद जताई जा रही है जिस तरह से टेम्परेचर जो कम होता जा रहा है कि रात को जो है बर्फबारी हो सकती है। नए साल के लिए जो है कुल्लू और मनाली में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, हजारों गाड़ियां डेली मनाली पहुंच रही है, और ऐसा लग रहा है कि यदि बर्फबारी हो जाती है तो 30 और 31 तारीख को मनाली में ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए, और एक बार फिर से रुक करते हैं किन्नौर का, जहां से हमारे संवाददाता समर जुड़ चुके हैं। समर, आपसे जानना चाहेंगे किन्नौर में क्या हाल है, मौसम सर्द हो गया है, सैलानियों का क्या कहना है, और आने वाले दिनों में कितनी भीड़ पर्यटकों के लिहाज से देखी जा सकती है, किसी तरह की हिदायत प्रशासन की तरफ से? जी तमन्ना, आज सुबह से ही किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो वही निचले क्षेत्रों में भी रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई है। जी, जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने जल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, एनएच विभाग और गृह विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही बर्फबारी का दौर शुरू होता है वह हमें अलर्ट मोड पर रहे ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानियों से ना जूझना पड़े। चलिए चलिए समर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, और सीधा रुख करते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरुण, कैसा है मौसम का मिजाज? देखिए तमन्ना, मैंने पहले ही इस बात के लिए चेता दिया था कि हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मौसम का बदला मिजाज आपको देखने को जरूर मिलेगा। राजधानी शिमला समेत आज राज्य के कई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी की फुहारें जरूर हुई हैं, और ये जो ऊंचाई वाले हमारे जनजातीय इलाके हैं, चाहे वो लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, भरमौर है, वहाँ ऊंचाई वाले हल्के में बर्फबारी का दौर जारी है।
शीतलहर की ठंड की चपेट में हिमाचल प्रदेश की वादियां हैं और राजधानी शिमला में भी बर्फ की फुहारें आ जाने की वजह से ये जो नए साल के जश्न में सैलानियों का सैलाब उभरता है तमन्ना, हिमाचल प्रदेश में एक बार रौनसार लोगों के दिल खिल जाना, उन पर्यटकों का जिनकी उम्मीद बर्फबारी की रही है वो उम्मीद अभी जगी है। मौसम अधिकांश इलाकों में खराब है, कल भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि हिमाचल के इन इलाकों में कई जगह पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो लोगों के जरूर है, लेकिन ये बदले मौसम के मिजाज में सभी के चेहरे खिला दिए हैं। अरुण, सभी के चेहरे खिला दिए हैं, लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं? आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं होगा कि रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार पहाड़ी इलाकों में ऐसा देखने को मिलता है, पर्यटक फंस जाते हैं। देखिए तमन्ना, बर्फबारी अगर कई जगह पर खुशी, कई जगह का बेहतर माहौल या किसानों और बागवानों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आती है, बिल्कुल जाहिर तौर पर जब बर्फ पड़ती है तो प्रशासन के लिए आमतौर पर उन इलाकों में जहां ये बर्फबारी होती है वहां पर परेशानियां जरूर बढ़ जाती हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इसके अलावा तमाम जिलाधीश उनके साथ बैठक के दौर में ये बात बिल्कुल पहले से ही तय कर दी गई कि बर्फबारी के इलाकों के लिए जिस तरीके की तैयारी प्रशासन को करनी होती है उसके आदेश सरकार की तरफ से भी जारी कर दिए गए थे। अब जिला प्रशासन ने भी तमाम अपने अमलों को इसके लिए तैयार कर रखा है कि अगर बर्फबारी होती है तो हिमाचल के तमाम इलाकों में इस तरह की तैयारी रहे। हाँ, इतना जरूर है कि जब बर्फबारी एकदम से पड़ती है तो चीजें मुश्किल जरूर हो जाती हैं, दुश्वारियां बढ़ जरूर जाती हैं, लेकिन सभी को तमन्ना आप बिल्कुल मानिए कि बर्फबारी का एक इंतजार, एक अच्छी बर्फबारी का इंतजार जरूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।